खवातीन और हज़रात, इजाज़ुल्लाह साहब ने चौधरी शुजात साहब से कुछ बददिली का इजहार करते इशारों कराने में गालिबन ये कहा कि अगर टूट फूट हुई तो या तो वो अलग हो के अपनी पुरानी मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग जियाउल हक को दोबारा जिंदा कर लेंगे, या फिर अगर मुस्लिम लीग नवाज का दरवाजा खुला तो शायद कुछ लोग उस तरफ चले जाए। क्या दरवाजा खुलेगा? ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ टाइम लाइन पे। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब मेरी बात अभी हो रही थी इजाज़ुल्लाह साहब से, तो उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ दरवाजा खोले अगर मुस्लिम लीग नवाज का मुफाहमत की तरफ बढ़े तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो आना चाहती है, शायद आ जाए वो आपकी जमात में। आपने के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए हैं, ये मुस्लिम लीग कायद आजम में लड़ाइयां हो रही हैं, आपके पुराने दोस्त लड़ रहे हैं आपस में, तो कुछ को ले लें जो अच्छे लोग हैं। नहीं, मुझे इससे डॉक्टर साहब आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक है कि इनमें से बाज लोग ऐसे हैं जिनको लेने में कोई दुश्वारी नहीं है, ना कोई किसी को एतराज होना चाहिए। लेकिन देखें, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इन लोगों के पास जब हमारी गवर्नमेंट टूटी थी कि ये दोनों मुस्लिम लीगें मर्ज हो जाती हैं, और उस सिलसिले में कुछ सिलसिला चला भी था। लेकिन चौधरी साहिबान मोहतरम ने जब भी बात की, उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद सलाई को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो फिर हम आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। देखिए, हमें तो दुख है जो हमारे साथ इन लोगों ने 8-9 साल किया, लेकिन एक मौका था जिससे उस दुख का या उस बात का अजाला हो सकता था, और चौधरी साहिबान ने वो भी मौका जो है अपनी खुदगर्जी और अपने जाती मफाद को जो है उसकी फर्दरेंस के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो मौका जाया कर दिया। वो बड़ा अच्छा मौका था, और अब अगर ये तो मुकाफात अमल है जो अब चौधरी साहिबान के दरवाजे तक भी या दहलीज तक पहुंच चुकी हुई है जो इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ किया। वजाहत करें, यानी जो मुस्लिम लीग हम ख्याल ग्रुप है जो चौधरियों के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, यानी वो आपसे ज्यादा करीब है, उसके आपके साथ मिलने के ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि आप भी चौधरियों के खिलाफ हैं और वो भी चौधरियों के खिलाफ हैं। तो वो उस तरह की बात नहीं है डॉक्टर साहब। हमारे इख्तलाफात तो इन सबसे है क्योंकि बड़े मुश्किल एक बड़ी आजमाइश की घड़ी में इन लोगों ने हमें जो है वो छोड़ा, और जो मिड वाइफरी जो है उसकी ISI ने की और ये नई पार्टी जो है तश्कील दी गई। पर खैर, वो माली की एक बात है, उसकी तलखी तो अभी तक जायके में बाकी है। लेकिन मेरा अपना मैं जाती है कि अगर ये लोग हमसे कोई बात करें और मुस्लिम लीगों को मर्ज करने की कोशिश करें गैर मशहूर तौर पे, तो वो बात चल सकती है आगे, कोई इसमें कोई मजायका नहीं है। लेकिन मैं बाज लोग हैं जिन्होंने इन लोगों ने जब हम पे मुश्किल वक्त पड़ा तो इन्होंने ये तो सुल्तानी गवाह बन गए। ये नहीं, यानी मुस्लिम लीग कायदे आजम में भी एक मुस्लिम लीग वजादार ग्रुप है। मैं कोई डिफाइन नहीं करना चाहता डॉक्टर साहब, लेकिन मैं तो इस वक्त मेरी पार्टी की क्या पॉलिसी बनती है वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं अपनी पार्टी में उन लोगों में शुमार होता हूँ जो ये राय रखते हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की हुई है और हमें इन लोगों को केस टू केस बेसिस पे लेना चाहिए। एंड मास अगर हमने इनको लिया तो बाद जगह जहां पे हमारी 8-10 साल जो है टूटी फूटी मुस्लिम लीग जो है PMLN बरकरार रही, ये उसका सत्यानाश कर देंगे क्योंकि इन लोगों अच्छा, को आगे केस टू केस बेसिस पे, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपके हाथ में फैसला हो और केस आए इजाज़ुल हक का, तो क्या आपकी नर वजादारी है? कच्ची तौर पे ना लो। अच्छा, क्यों? कच्ची तौर पर ना लू, वो उसने इतनी गलत जबान इस्तेमाल की हुई है टीवी में बैठ के मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जबान इस्तेमाल की हुई है। उसमें तो कोई पुराने तल्लक का किसी के साथ कोई किसको कहते ना हिजाब भी नहीं है। मुशाहिद हुसैन साहब, मैं अपने जाती ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और ओपिनियन की बात नहीं कर रहा। अच्छा, और ये जो बाकी है जैसे लियाकत जतोई, खुर्शीद कसूरी, ये जो लियाकत जतोई तो इतना गंदा आदमी है, उसके हाथ इतने करप्ट जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा, उसको तो बिल्कुल ही लेना चाहिए, बदनामी का बायस बनेगा। कसूरी साहब बेहतर है, खुर्शीद कसूरी
वो तो बैलेंस है। कसूरी साहब का भी जो है वो पंजाबी में कहता है वो पेंदा कोई नहीं होता। ख्वाजा साहब रवाजादारों के लिए बता देना, मुशायद हुसैन तो चले खुश हो गए, वो तो बहुत बड़ी खबर उनको मिल गई कि जी उनके हमायती मौजूद है आपके कैंप में। अब बाकी कोई एक आध और नाम भी बता दें। मेरी जाती राय अगर पूछे तो दो फासले बड़े हैं हमारी क्यादत में और उनमें, तो मेरा ख्याल है अमर नासिर चटर साहब के साथ बात करनी चाहिए। अच्छा, हमारी वक्त अमेरिका साहब भी बात करनी चाहिए, मैं उसके लिए भी अगेन इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। अच्छा यानी अच्छा यानी लेकिन मजबूरी सोच आप जाहिर है मियां साहब के साथ होते हैं उनसे बिल्कुल अलग बात तो नहीं करेंगे ना ख्वाजा साहब। आप मियां साहब की राय जो है वो मेरी राय से बहुत ज्यादा बेहतर और साहिब राय है। मैं तो आपको जाती ओपिनियन दे रहा हूँ, मियां साहब की राय जो है अल्टीमेटली प्रिवेल तो उसने करना है ना, वो हम उस पर आमीन कहेंगे। आप देखें श्रीम हैफला साहब अच्छे आदमी है, हमारा उनके साथ रास्ता भी है। अच्छा रास्ता है आपको जी जी बिल्कुल हमारा साथ रास्ता। तो यानी ये फिर ये तो इस तरह खेल नजर आ रहा है कि चौधरी साहब का तख्ता उलट दिया जाए, सलीम सैफुल्ला सदर बन जाए, फिर मर्ज हो जाए आपके साथ, हामिदाजे चट्टा भी उनके साथ थे, हमारी उत्तर भी, ये तो बड़ा जबरदस्त ख्वाजा साहब, ये तो इस तरह का मंसूबा बनता नजर आ रहा है। फिर स्पेकुलेशन मैं आपने इजाजुल्लाह की बात की, मैं जातियात पे उलझना चाहता हूँ, उसको तो अराइवमेंट जाते हुए शर्म आनी चाहिए कि जिस किस्म की जबान हो मियां नवाज शरीफ का मतलब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा और नहीं तो इजाजुल्लाह वो कहते हैं मुझे तंग ज्यादा किया, मुझे नहीं लिया तो मैं अपनी एक और मुस्लिम लीग बना लूंगा शेख रशीद की तरह। और देखिए ना फिर एक वोट यानी आगे कभी भी बात होगी मुस्लिम लीगों को जमा करना है तो शेख रशीद को भी बुलाना पड़ेगा, पीर पगारा को भी, इजाजुल्लाह को, तो ये तो इतनी सारी मुस्लिम लीग है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में एक एक वोट होता है हर एक का, तो वो तो उनके तो मजे ही, उनको क्या प्रॉब्लम होगी। मेरा ख्याल है कि कोई पीएमएलएन ने पिछले एक डेढ़ साल में एक और आजमाइश का जो है वो उसके ऊपर पूरी उतरी है अल्लाह ताला की मेहरबानियों से और आवाम की दुआओं की बदौलत, कि हमारा ये गवर्नर आज वाला पीरियड भी जो है इज्जत आबरू के साथ जो है कट के है। तो मेरा ख्याल है कि इन जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं ये पीर बघाड़ा या वो दूसरे जो Waqfa Barai Azan, let us proceed to an azan break. Bismillahirrahmanirrahim. Azan, Waipul Kitabun se pesh ki ja rahi hai. Allah.